यस नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलवाता हूँ निमसेट 2019 महिमा पांडे. इससे आप पहले भी मिल चुके हैं और इससे मैंने आपको जनवरी में मिलवाया था. ये एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी, इसने पहले पेन ड्राइव से पढ़ाई की और इस स्टूडेंट से आप मिलिए इसलिए भी बहुत अच्छे से जानिए क्योंकि इसका नाइन्थ के बाद मैथ्स नहीं था क्योंकि यूपी से पढ़ी हुई है ये, तो वहाँ पर नाइन्थ के बाद ये ऑप्शन होता है कि मैथ्स छोड़ सकता है. तो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ मैथ्स का कोई बैकग्राउंड नहीं, पेन ड्राइव लिया ऑनलाइन कोर्स से पहले कम्प्लीटली, खुद दो तीन बार उसने वीडियो देखे, सारा बेस क्लियर किया, फिर जनवरी में आई. मैं इसके वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा. यानी जब ये आई थी जब तक ये पूरा मैथ्स कंप्लीट करके आई थी और फाइनल टेस्ट सीरीज के लिए भोपाल आई, पढ़ाई करी और ऑल इंडिया 66 रैंक मिली है और एनआईटी त्रिची में सिलेक्शन हुआ है. तो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है कि एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट, और ऐसा भोपाल में पहला स्टूडेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं. क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैथ्स बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, अगर आप जब भी जिस दिन से पढ़ोगे उस दिन से आपका मैथ्स बैकग्राउंड बन जाएगा. तो महिमा आप बच्चों को बताओ क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं. आपने भी देखा जब टेस्ट सीरीज के लिए आए नए बच्चे मैथ्स को लेके ही डरते हैं कि मैथ्स नहीं कर पाएंगे, मैथ्स से डर लगता है. जब आपने स्टार्ट किया था, जब मैथ्स आपका किस लेवल पे था, किस ढंग से आपने अपनी पढ़ाई की, कैसे वीडियोस देखे, वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करो क्योंकि अब आपके पास आज इंडिया का नंबर वन कॉलेज है, तो एक अचीवमेंट है आपके पास. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स, आई वाज कंप्लीट जीरो इन मैथ्स, मुझे कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में. बट मैंने सर की पेन ड्राइव ली, उससे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा तो मुझे वो बहुत ही इजी लगा. तो सारी चीज़ें बहुत बेसिक से क्लियर हुई और मुझे मैथ्स बहुत जल्दी ग्रैस्प होने लगी. तब स्टार्ट करा था तब तो कंप्लीट जीरो था, बट जब मैंने पढ़ना धीरे धीरे शुरू करा तो आई फाउंड दैट मतलब मोस्ट ये जो मैथ्स है मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन मिल रहे थे, उन्हें सॉल्व करना, उनमें मुझे मतलब मैंने एंजॉय करके पढ़ाई करी. ये नहीं था कि मेरे पर कोई प्रेशर था, मैंने कोई प्रेशर लेके पढ़ा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा. मैंने जनवरी 18 में पेन ड्राइव ऑर्डर करी थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था सब चीज़ों को पढ़ने का. तो मैंने पूरी पेन ड्राइव दो बार देखी, हर वीडियो को एक बार पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा, फिर उससे दोबारा भी करा, क्योंकि मुझे बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें जाननी थी और एडवांस लेवल तक पढ़ना था, क्योंकि मुझे पता था कि निमसेट है जो पूरा कंप्लीट मैथ्स बेस्ड एग्जाम है, अगर सिलेक्शन हो सकता है तो मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है. बट मुझे कुछ नहीं आता था तो इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़ा. इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद मुझे मैथ्स कभी आता ही नहीं, क्योंकि इतना ईजी मतलब इनके पढ़ाने का जो मेथड है वो बहुत ही इजी है. उससे मुझे मतलब अगर मुझे लगता है कि मैंने मैथ्स सीख लिया तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मैथ्स नहीं सीख पाएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता. और एक बात और थी कि कोई भी जैसे जब हमें कोई भी चीज़ बाय बर्थ नहीं आती, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करना ज़रूरी होता है. तो जैसे मेरा मैथ्स नहीं था तो कभी ना कभी शुरू करना था, क्योंकि हमें बाय बर्थ कोई चीज़ मिलती नहीं है. तो बस मैंने एक साल पहले स्टार्ट करा तो मुझे वो भी आ गए. तो मुझे लगता है कि बस आप में एक बिलीव होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, और वो मुझ में हमेशा रहा. मुझ में हमेशा ये बिलीव रहा दैट आई कैन डू इट. और जब ये आप में हो जाता है कि आप अपने में बिलीव करने लगते हो कि आप ये कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते. सो बस ये कहना चाहूँगी, थैंक यू. देखिए महिमा ने जैसा अभी बोला, मैं एक और बात बताऊंगा. महिमा एक बहुत ही छोटी सी जगह से आई है, अयोध्या के पास की एक छोटी जगह है, और अभी इसके फादर भी साथ में आए अभी, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आई है, काउंसलिंग में इसने लिया है. तो जब 2018 में आप फाइनल ईयर में थे, तो जब 2018 में फाइनल ईयर में थी जब इसने कोर्स लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बाद में दिसंबर तक आते आते इसको लगा कि सर के साथ ही फाइनल टेस्ट सीरीज दिया जाए, एक एटमोसफेयर मिले, और जनवरी में भोपाल आ गई और इसने टेस्टिंग में यहाँ पर टेस्ट पेपर्स में रेगुलर परफॉर्म किया. और देखिए उसके सामने रिजल्ट है. और इस बार के पेपर को लेके मैं एक बात, आप सब जानते हैं कि इस बार का पेपर बहुत लेंथी था, टफेस्ट पेपर था, उसके बाद भी एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो जो इसने वर्ड बोला कि कोई भी कर सकता है, ये बिल्कुल सच है. बस एक बिलीव होना चाहिए आपके अंदर कि आप कर सकते हो. और महिमा ये आपका स्टार्ट है, अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है. तो अब आप त्रिची जा रहे हो, त्रिची जैसे अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ पर भी ऐसे ही परफॉर्म करना. और जीवन में क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि सफलता कैसे मिलती है, एक बार अगर सफलता मिल जाए तो हमें फिर डर हमारे अंदर का खत्म हो जाता है. तो अब ऐसे ही आगे बढ़ो. ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन.